सो वी वॉज डूइंग थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो लास्ट टॉपिक किया वो हमने किया एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी को हीट कंटेंट भी बोलती हैं, जिसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस विच कैन बी कन्वर्टेड टू द हीट, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हीट कंटेंट। ओके, अब आज जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, these are our topic which we are going to discuss today. okay, first of all what is the meaning of heat capacity? jaise name se indicate ho raha hai, heat capacity matlab kisi body ki capacity for the heat, ki wo kitni heat le sakti hai. okay, par isko ab define kaise karenge, isko scientific terms mein define kaise karenge, the amount of heat required to raise the temperature of the system थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, मतलब अगर आपके पास कुछ लेट अस से कि ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक का अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ब्लॉक किसी भी साइज का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ओके क्लियर, इस पूरा ब्लॉक का एक जो टेम्परेचर आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितना टेम्परेचर, कितनी हीट देनी पड़ेगी इसको, how much heat is required, that heat is called as the heat capacity of this particular aluminium block. okay, clear, so this is the meaning of heat capacity. aur heat capacity jo hai ye ek extensive property hai, this is extensive property. what is the meaning of being extensive, matlab agar aapka jo block hai, block chhota hoga, obvious hai, chote block ka ब्लॉक का अगर टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो आपको कम हीट देनी पड़ेगी. अगर बड़ा ब्लॉक लोगे, ओके, तो उसका जो आपके पास हीट, आपने उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा करते हो तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हीट लगेगी इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेट अस गिवन दिस Q1 हीट एनर्जी टू दिस ब्लॉक टू रेज दिस ब्लॉक्स टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2. मान लो इस ब्लॉक का टेम्परेचर T1 से T2 करने के लिए आपको हीट कितनी देनी पड़ी, Q. ओके, तो इसकी हीट कैपेसिटी कैसे निकालोगे, हीट कैपेसिटी इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल C, दैट इज Q, कितनी हीट दी आपने, डिवाइडेड बाय कितना टेम्परेचर चेंज हुआ उससे. T2 माइनस T1 क्या डेजिग्नेट कर रहा है, टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी. ओके, तो आपके पास हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज विल गिव दी हीट कैपेसिटी. ओके, और हीट कैपेसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल पर केल्विन. ओके, सो दिस इज हीट कैपेसिटी. और हीट कैपेसिटी वेरीज विद टेम्परेचर, ये पॉइंट ध्यान में रखना बहुत है, ये कॉम्पिटिशन में पॉइंट बन जाता है कई बार, कि जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपका ये ब्लॉक 0 डिग्री सेल्सियस पे है, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस पे है, और उसको आपने 2 डिग्री सेल्सियस पे करना है. ऐसा करने के लिए लेट अस से 50 जूल ऑफ एनर्जी लग रही है. ओके, बट अगर आपका यही ब्लॉक 100 डिग्री सेल्सियस पे हो और उसको 101 डिग्री सेल्सियस पे करना हो, तो आपको क्या लगता है, 50 जूल ऑफ एनर्जी ही लगेगी? नहीं जी, क्योंकि हो सकता है जब ब्लॉक गर्म है उस टाइम उसका टेम्परेचर जो है वो इजिली रेज किया जा सकता हो 1 डिग्री सेल्सियस, तब 50 जूल ऑफ एनर्जी ना लगनी हो, तब 40 जूल ऑफ एनर्जी लगनी हो. ओके, तो इट मींस जो हीट कैपेसिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकती है, हीट कैपेसिटी इज वेरी विद टेम्परेचर. ओके, सेम ही सब्सटेंस होगा, सब कुछ सेम होगा, बट अगर इस सब्सटेंस को 0 डिग्री 1 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ रहा है उसके लिए हीट अलग लगेगी, और अगर आपको इसी सब्सटेंस को 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस पे करना हो तो हीट अलग लगेगी. ओके, इट मींस हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग है. तो इसलिए जब भी हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखी जाती है किसी सब्सटेंस के लिए, तब आपको टेम्परेचर भी साथ में मेंशन किया होता है, ठीक है, और वो हीट कैपेसिटी की वैल्यू थोड़े से टेम्परेचर रेंज के लिए वही वैल्यू होती है. जैसे मान लो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के लिए इस ब्लॉक की जो हीट कैपेसिटी है लेट अस से वो 10 जूल पर केल्विन है.
ओके तो एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू फिक्स हो सकती है किसी सब्सटेंस की, बट वैसे हीट कैपेसिटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करती है. ओके सो दिस वाज द हीट कैपेसिटी. मतलब किसी भी सिस्टम को अगर आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, लेट अस से किसी भी टेम्परेचर पे वो पड़ा हो, उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. जैसे नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कर दिया हुआ है, ये हीट कैपेसिटी है, बट अब आपने स्पेसिफिक क्या कर दिया होगा, अमाउंट. ये जो सिस्टम है जैसे एल्यूमिनियम का ब्लॉक, इसकी अमाउंट फिक्स कर दी. पहले जो हीट कैपेसिटी के टाइम तो मैंने बोला ना, ब्लॉक बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ओके बट अगर आपने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया, ओके तब क्या होगा, तब आपको ये फिक्स हो जाएगा कि जैसे इसमें अमाउंट हमने स्पेसिफाई कर दिया 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, कि 1 ग्राम एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इट मींस एल्यूमिनियम चाहे कहीं से भी बना के ले आओ, ओके उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, मतलब 1 ग्राम के लिए जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दैट विल बी कॉन्स्टेंट. तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं रहती, इट विल बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें आपने अमाउंट को स्पेसिफाई कर दिया हुआ है. ये मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के टाइम भी समझाया था. ओके तो अब इसके केस में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटीरियल. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल के लिए आती है कि एल्यूमिनियम की हीट कैपेसिटी ये होती है, कॉपर की हीट कैपेसिटी ये होती है, जिंक की हीट कैपेसिटी ये होती है, ऐसे मेंशन होती है वैल्यू. बट जो हीट कैपेसिटीज होती है वो सिस्टम की होती है. ओके जैसे एक 2 ग्राम का एल्यूमिनियम ब्लॉक है और एक 4 ग्राम का एल्यूमिनियम ब्लॉक है, इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी, इसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी, चाहे दोनों सेम टेम्परेचर पे ही है. बट अगर मैं बोलूं दोनों में जो एल्यूमिनियम है वो तो सेम ही रहा, मटेरियल तो सेम ही रहा, तो मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो कि फिक्स होती है. ओके तो इसको कैसे निकालते हैं, सिंपली कैसे करो, हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द मटेरियल, दैट विल गिव यू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर आपने हीट कैपेसिटी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी है, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे तो सी की बजाय ये पुट कर दो, ये फॉर्मूला पुट कर देता, वहां से भी आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आ जाएगी. ओके एंड व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ द हीट कैपेसिटी, इसमें क्या हुआ, इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड हुआ है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या थे, जाउल पर केल्विन, पर मास के यूनिट क्या होंगे, पर ग्राम. तो आपके पास क्या बन जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या बन जाएंगे, जाउल पर केजी, पर केल्विन पर ग्राम. ओके जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. मतलब अगर वाटर का 1 ग्राम लें हम, उसका टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो आपको कितना हीट देनी पड़ती है, 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, 4.18 जाउल ग्राम, 4.18 जाउल एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल. कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट ही है बट जाउल से थोड़ा बड़ा होता है. ओके अब है आगे है मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी में अब नेम से इंडिकेट हो रहा है, इसमें क्या होगा, अमाउंट आपने मोल में फिक्स किया है. यहाँ पे अमाउंट हमने ग्राम में फिक्स किया था ना, कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी. इसमें हम अमाउंट को ग्राम में ना मेजर करके मोल में बोलेंगे, कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर हीट कैपेसिटी. The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree Celsius. इसमें क्या करना है? इसमें heat capacity को number of moles से divide करना है. खत्म कहानी. बस अगर आपने heat capacity का formula नहीं अभी value नहीं निकाली तो उसका formula put करके उसकी value निकालोगे पहले, तो उसमें भी यहाँ पे formula नया ये वाला बन जाएगा. Where n is number of moles of the substance and cm, cm का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो cm वो वाला नहीं chief minister, cm means molar heat capacity. तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या थे, जाउल पर केल्विन, नीचे मोल आ गए,
जाउल पर केल्विन पर मोल, दिस विल बी द यूनिट्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी. ओके, सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी. बट केमिस्ट्री में ज्यादातर ये वाली यूज होनी है. आप फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, उसमें भी ज्यादातर यही वाली हीट कैपेसिटी यूज करते हैं. ओके, क्योंकि ये हमें थोड़ा एक्यूरेट एक्यूरेट कह लो, या वैसे हम मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए मोल की टर्म में ही यूज करते हैं सब कुछ. क्योंकि आपने मोल कंसेप्ट इसीलिए पढ़ा क्योंकि मोल की टर्म में एक्सप्रेस करना ईजी है, क्योंकि रिएक्शन में भी मोल के अकॉर्डिंग ही रिलेशन बनता है ना. जैसे अगर ये रिएक्शन हो जाए तो यहाँ पे हम यही बोलते हैं ना, 1 mole ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड विद 3 mole ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 mole ऑफ अमोनिया. ओके, तो मोल के टर्म में एक्सप्रेस करना किसी भी क्वांटिटी को ज्यादा अच्छा रहता है. ओके, क्लियर? सो दैट्स इट. उसके बाद जैसे अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए वही एल्यूमिनियम ब्लॉक वाला एग्जांपल लेते हैं. टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल. अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल वेइंग 3 ग्राम, इसका 3 ग्राम वेट है, रिक्वायर 5.4 joule ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 298 टू 300 केल्विन. मतलब 2 degree से टेम्परेचर बढ़ाया हमने, 1 से देखना था. तो यहाँ पे T2 - T1 कितना आ गया, 2 300 - 298, और हीट कितनी लगी, 5.4 joule. तो हीट कैपेसिटी ऑफ द पीस ऑफ एल्यूमिनियम, ये जो पूरा पीस है इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, 2.7 joule पर केल्विन. अगर इसकी मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है कि एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो कैसे निकलेगी, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, हीट टोटल गिवन हीट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज. ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, आप ये वाला भी लगा सकते हो. स्पेसिफिक हीट आप निकाल चुके हो, एम से डिवाइड करवा दो, तो आपने ऐसे कर दिया. या इसको ऐसे भी कर सकते थे, 2.7 joule पर केल्विन ये होगी हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय अमाउंट कितना है, 3 ग्राम. तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो भी आपके पास यही आंसर बनेगा. ओके, और मोलर हीट कैपेसिटी में आपको ये 3 ग्राम जो अमाउंट है इसको मोल में कन्वर्ट करके फिर पुट करना है फॉर्मूला में. ओके, तो 3 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे एल्यूमिनियम के, 27 ग्राम में 1 mole होता है, एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 है ना. तो 3 ग्राम के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, 1 by 9, मतलब 0.111 mole. इतने मोल्स हैं एल्यूमिनियम के बस. तो अब अमाउंट में यहाँ पे जो अमाउंट 3 ग्राम डिवाइड किया आपने, अमाउंट यहाँ पे 0.111 पुट करनी है. यहाँ पे इन्होंने 3 by 27 करके वैसे ही कर लिया होगा कैलकुलेट. तो अब आपके पास आंसर जो है वो ये मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी. दैट्स इट. ओके, सो जो स्पेसिफिक और मोलर हीट कैपेसिटी आती है ये सब्सटेंसेस के लिए आती है, और हीट कैपेसिटी पूरी ब्लॉक के मतलब पूरे सब्सटेंस की उसके सब सिस्टम के लिए आती है जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो. अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम थोड़ा और ऐड कर दूं तो अब सिस्टम नया बन गया, उसकी हीट कैपेसिटी अलग होगी. वेयर एज जो मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी है वो तो सेम ही रहेगी ना. ओके, नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है, मतलब हीट कैपेसिटी का ही यूज है कि अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन हो तो आप उससे ये भी पता लगा सकते हो कि अगर टेम्परेचर ऑफ बॉडी T1 से T2 करना है तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी. How to calculate amount of heat required to raise temperature of a body from T1 to T2 if specific heat capacity is given? अगर specific heat capacity given हो तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि अगर body का temperature T1 से T2 करना है तो कितनी heat लगेगी. हाँ जी, बड़े आराम से पता लगा सकते हैं. Specific heat capacity का formula क्या था, Q/T2 - T1/m. Okay, तो आपने Q पता लगाना है, तो specific heat capacity आपके पास है उसको multiply कर दो m into टेम्परेचर डिफरेंस जितना आपने क्रिएट करना है उससे. ओके, यस, यू कैन कैलकुलेट क्यू. ओके, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 kg वाटर के लिए वाटर को मैंने 99 degree Celsius से 100 degree Celsius पे भेजना है, तो उसके लिए मेरे को कितनी हीट देनी पड़ेगी. तो क्यू कैलकुलेट करना है, CSP into m into T2 - T1. T2 - T1 कितना है, 100 - 99 कितना बना, 1. ओके, मास कितना है वाटर का, 1 kg. kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1000. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अभी वैल्यू बोली थी मैंने कितनी होती है, 4.18 joule पर केल्विन पर मोल, सॉरी पर ग्राम. तो यहाँ पे 4.18 ओके जाउल पर केल्विन पर ग्राम आ गया. यहाँ पे ये ग्राम है, ये केल्विन है, केल्विन से ये कट गया, ग्राम से ये कट गया.
आपका आंसर आया 4180 जाउल। इतने जाउल ऑफ एनर्जी लगेगी अगर आपने 1 kg वाटर का टेम्परेचर 99 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस करना है। ओके सो दैट्स इट। इट मीन्स आपको इस फॉर्मूला के और भी यूजेस हैं। ओके उसके बाद आपके पास आता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी, हमने अब मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ी ना, इसके आगे और दो टाइप हैं और वो दोनों इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। ओके सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। हालांकि इसको स्पेसिफिकली के लिए बोल रहे हैं तो मैं टाइप ऑफ मोलर हीट कैपेसिटीज की बात कर रहा हूँ कि मोलर हीट कैपेसिटीज कितनी तरह की होती है। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, क्यू डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इनटू n नंबर ऑफ मोल्स। सिंस क्यू इज नॉट स्टेट फंक्शन, हम पढ़ चुके हैं कि जो हीट है, हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये एक पाथ फंक्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड। सिमिलरली अगर क्यू स्टेट फंक्शन नहीं है, इट मींस जो सी है वो भी एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये हम सिर्फ गैसेस के लिए बात करते हैं। ओके गैसेस के लिए बात हो रही है यहाँ पे। ओके तो इट मींस ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है, दिस इज आल्सो नॉट अ स्टेट फंक्शन, इट विल बी अ पाथ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन क्यू। ओके सो इट मींस सीएम इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन क्यू, व्हिच मींस सीएम इज आल्सो पाथ फंक्शन एंड हेंस इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। इसलिए जो सीएम की वैल्यू है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करेगी। मतलब इसमें कौन से दो तरह के पाथ फॉलो कर सकता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसा केस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि आपको पता है सिस्टम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब करे तो वो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ट करने में जाती है। ओके या इवॉल्व करे तो वाइस वर्सा। सिमिलरली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर पे जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा या इवॉल्व करेगा वो डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब या इवॉल्व करेगा जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करता है। आपने पढ़ा हुआ है सी, अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एब्जॉर्ब हो वो सारी की सारी एंथैल्पी को चेंज करने में जाती है, ये हमने लास्ट कल वाले लेक्चर में पढ़ा था। और हीट अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्जॉर्ब हो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जाती है। मतलब QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QV इक्वल टू डेल्टा U। बस इसी को, इसी के अकॉर्डिंग हमने आगे फिर दो तरह की हीट कैपेसिटीज बना दी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या हुआ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर। बट इसमें जो सिस्टम है वो गैसेस स्टेट वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉलिड्स के केस में, सॉलिड्स और लिक्विड के केस में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड के केस में ये दो केसेस नहीं बनते हीट कैपेसिटी के। क्यों नहीं बनते, क्योंकि सॉलिड का जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता। ओके जैसे गैसेस का तो ना कोई वॉल्यूम होता है ना प्रेशर होता है, सॉलिड्स का ये दोनों फिक्स होते हैं, टेम्परेचर चेंज करने से कितना का चेंज हो जाएगा, है ना। ओके बट गैस के केस में वॉल्यूम और प्रेशर आपको मेंशन करना पड़ता है और ये चेंज भी बड़ा जल्दी हो जाता है। ओके ऑन हीटिंग ऑल्सो, सो दैट्स वाई फॉर गैसेस, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड गैसेस ऐड कर दिया कि गैसेस के लिए ही देर आर टू टाइप ऑफ हीट कैपेसिटीज। सॉलिड्स के लिए अगर हों भी तो सीवी और सीपी की वैल्यू सेम ही होगी, जैसे वाटर के लिए मेंशन करी ना मैंने, वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी मेंशन करी थी यहाँ पे 4.18 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा नहीं उसके साथ कि दिस इज फॉर लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर मतलब जनरली लिक्विड स्टेट में होता है और लिक्विड्स के लिए जो सीपी और सीवी होता है वो सेम ही होता है, तो इसमें इसलिए ये मेंशन नहीं करा, ये सीपी की बात हो रही है कि सीवी की बात हो रही है। सॉलिड्स और लिक्विड के लिए सीपी इक्वल टू सीवी, तो उनके लिए जनरली हम सी वर्ड ही यूज करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके बट गैसेस के लिए देर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली, इसको सीवी लिखते हैं इसको सीपी लिखते हैं। ये कौन सी हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। ओके इसमें अमाउंट मोल फिक्स कर रखी है कि मोल के अकॉर्डिंग देखने हैं, 1 मोल के लिए देखने। ओके अब इनके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सीपी और सीवी की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी गैस के लिए
उसके लिए अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे हम दोनों के लिए, सीवी और सीपी के लिए। सबसे पहले सीवी की बात करेंगे। सीवी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसमें मोलर हीट कैपेसिटी की ही बात हो रही है, तो बार बार मोलर वर्ड मैं बोलूंगा नहीं। यू नो दैट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो सारी की सारी कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करवाने के लिए। ये हम कल वाले एक्सप्रेशन में हमने किया था, ये हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इंटरनल एनर्जी, वी नो दैट। तो अगर हमने सीवी की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर चेंज, ऐसे निकलते हैं सीवी, हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर चेंज। और यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसको कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लिख देंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने हीट एब्जॉर्ब करवाई है या इवॉल्व करवाई है, क्योंकि हम सीवी की बात कर रहे हैं। तो ये बन गया क्यूवी बाय डेल्टा टी। ओके, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी क्यूवी की और टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं डेल्टा टी, और क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा यू, पुट करी वैल्यू तो क्या बन गया ये डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो सीवी है वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज ऑफ टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, तो ये एक्सप्रेशन बन गया सीवी के लिए, मतलब इंटरनल एनर्जी में कैसे चेंज आ रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सीवी फॉर एन आइडियल गैस। ओके, सिमिलरली सीपी, सीपी में कांस्टेंट प्रेशर रखा है और आपको पता है कि कांस्टेंट प्रेशर में जो भी हीट चेंज आता है वो सारा का सारा हीट चेंज कहाँ जाता है, एंथैल्पी को चेंज करवाने में। ओके, क्लियर, जैसे यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर चेंजेस एंथैल्पी। ओके, तो यहाँ पे सीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, और यहाँ पे जो हीट का चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे आ रहा है, उसको क्यूपी लिख देते हैं हम ऐसे। ओके, तो क्यूपी बाय डेल्टा टी, ये बन गया सीपी के लिए फॉर्मूला। क्यूपी की वैल्यू कितनी होती है, इक्वल टू डेल्टा एच, तो ये पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया, सीपी इज इक्वल टू डी एच बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर लिखना था, वॉल्यूम लिख दिया गलती से। ओके, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब सीपी कैसे निकलता है, यू हैव टू नोट दी एंथैल्पी चेंज विद टेम्परेचर, एच क्या डेजिग्नेट कर रहा है यहाँ पे एंथैल्पी, एंथैल्पी में कैसे चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, दैट इज कॉल्ड एज दी सीपी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हीट कैपेसिटीज की यहाँ से नई डेफिनेशन क्या बन गई, नहीं है मतलब एक तो डेफिनेशन ये पढ़ ली ना आपने दोनों की, ठीक है, ये सिंपल वाली डेफिनेशन हुई। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन से और इस एक्सप्रेशन से क्या डेफिनेशन बन रही है, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी की डेफिनेशन बन गई ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बन गई, मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सीवी एंड सीपी। ओके, एंड दोनों ये आइडियल गैसेस के लिए लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी में आपस में भी रिलेशन है, ठीक है, क्या रिलेशन है वो अभी कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन हमने पढ़ा हुआ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हमें याद आ गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, क्लियर, अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन मैंने कल ड्राइव करवाया था, कल वाली वीडियो मैं भेज दूंगा वो देख लेना, ठीक है, ऑलरेडी शायद भेजी हुई है ग्रुप में। अगर हम दोनों साइड, इफ वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, अगर दोनों साइड हम डेल्टा टी से डिवाइड करवा दें तो व्हाट विल हैपन, इस साइड भी डेल्टा टी से डिवाइड करवा दी सभी को, इस साइड भी सभी टर्म्स को डेल्टा टी से डिवाइड करवा दिया, तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। इसको हम डेल्टा को हम शॉर्ट फॉर्म में, डेल्टा जो है डेल्टा रिप्रेजेंट क्या करता है, चेंज को, तो जो स्मॉल चेंज हो उसको हम डेल्टा से नहीं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख देता हूँ डी के से, कि स्मॉल चेंज की बात हो रही है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए तो एंथैल्पी ही चेंज हो जाएगी, सीवी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सीप की वैल्यू है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा को डी से कन्वर्ट कर देते हैं। अगर डेल्टा में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, बट
डी का मतलब ऑटोमेटिकली हो जाता है कि स्मॉल चेंज, मतलब ज्यादा वेरिएशन नहीं देखनी, नहीं तो आपको फिर वैल्यू से अलग लेनी पड़ेंगी, क्योंकि सी की वैल्यू ही वेरी कर जाएगी एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे डी एच बाय डी टी, इसको ऐसे लिख दिया, इसको लिख दिया डी यू बाय डी टी, इसको लिख दिया पी डी वी बाय डी टी। ओके, और आपको पता है डी एच बाय डी टी की वैल्यू कितनी होती है, सी पी। डी यू बाय डी टी क्या होती है, सॉरी डी यू बाय डी टी क्या होती है, सी वी, अभी करके हटे हैं। अब ये पी डी वी डी टी क्या है, जैसे आइडल गैस इक्वेशन याद है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पे अगर स्मॉल वॉल्यूम हो और स्मॉल टेम्परेचर हो तो फिर क्या है, उसको वी की बजाय डी वी लिख देंगे, तो ये बन जाएगी पी डी वी इक्वल टू एन आर टी डी टी। तो यहां से क्या बन गया, पी डी वी बाय डी टी इक्वल टू आर, अगर नंबर ऑफ मोल्स वन हो, और वन मोल के लिए है हम कर रहे हैं सारा कुछ, ये है ना मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, तो पी डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू आर, अभी निकाली वैल्यू, तो बस वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया सी पी, ये आ गया सी वी, और ये इसकी वैल्यू किसकी है, किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो डी एच बाय डी टी की वैल्यू आपने पुट कर दी, डी यू बाय डी टी की वैल्यू पुट कर दी, और पी डी वी की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टार इक्वेशन, स्टार इसको स्टार बोला मैंने इस इक्वेशन को, यू विल गेट सी पी इक्वल टू सी वी माइनस आर फॉर वन मोल ऑफ आइडल गैस। एक मोल ऑफ आइडल गैस के लिए ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। यहाँ से एक मतलब ये भी निकलता है, माइनस नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ से मतलब एक ये भी निकलता है कि सीपी जो है वो सीवी से बड़ा होता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेरिजन टू हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। ओके, कितना ग्रेटर, आर की वैल्यू जितना, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 ओके जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके, याद है, या अगर इसको कैलोरीज में रिप्रेजेंट करें तो कितना आता है, 1.984 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल है, तो इट इज 2 कैलोरीज ग्रेटर देन सीवी, मतलब सीपी जो है वो 2 कैलोरीज हायर वैल्यू का होता है एज कंपैरिजन टू सीवी। ओके, फॉर अ फॉर वन मोल ऑफ आइडल गैस, एक मोल ऑफ आइडल गैस के लिए सीपी की वैल्यू 2 कैलोरी ग्रेटर होती है एज कंपैरिजन टू सीवी। मतलब अगर आपने उस गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे रख के उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ओके, कांस्टेंट प्रेशर करने के लिए क्या होगा, आप इसको हीट करोगे, इसके मॉलिक्यूल जो हैं हाई एनर्जी के होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ा है, बढ़ेगा अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, बट आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको अलाउ करना पड़ेगा कि अपना वॉल्यूम एक्सपेंड कर ले, क्योंकि तभी प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई जो आपका सीपी है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, क्योंकि अगर वॉल्यूम और सीवी की वैल्यू क्या होगी, मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी जो मर्जी चेंज हो जाए, अब गैस जो है वो इतने वॉल्यूम में रह रही है, तो इसको जब गर्म करोगे तो फिर क्या होगा, गैस की जो कनेटिक एनर्जी है वो वॉल्यूम एक्सपेंड करवाने में तो जाएगी नहीं, जिसकी वजह से ये जल्दी हीट अप हो जाएगी, इसका जल्दी टेम्परेचर रेज कर जाएगा। इसलिए जो सीपी की वैल्यू है, कॉन्स्टेंट प्रेशर रख के अगर आपने टेम्परेचर किसी का इंक्रीज करवाना है, तो उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होती है एज कम्पेरिजन टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रख के करना होता है, तभी सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है। ओके, सो दैट्स इट, सीपी और सीवी का रिलेशन डन है, ये वाला दिस एक्सप्रेशन यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दिस इज फॉर एन वन मोल, अगर एन मोल के लिए देखना हो तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस एन आर हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू वन नहीं ना पुट कर दोगे, यहाँ पे फॉर वन मोल ना करोगे, और जब यहाँ पे फॉर वन मोल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन आर, तो यहाँ पे एन आर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे एन आर बन जाएगा। ओके, इफ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग फॉर वन मोल। ओके, नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, वो तो हमने वैसे निकाल ली है, एक और रिलेशनशिप होती है उसमें हमने रेशो निकालनी होती है, ठीक है, और जो सीपी और सीवी की रेशो है उससे जो आपके पास क्वांटिटी निकलती है, ये जो वैल्यू निकलती है, इससे आप एटॉमिसिटी ऑफ गैस का पता लगा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर ये एटॉमिसिटी ऑफ गैस क्या होती है, ओ टू कैसी गैस है, दो एटम से बनी है, इसका एक मॉलिक्यूल दो एटम से बना है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, टू। ओजोन ओ थ्री, इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल कितने एटम से बना है, तीन से, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तीन, ठीक है।
तो सीपी बाय सीवी की रेशियो से जो आपके पास क्वांटिटी निकलती है, इसको गामा बोलते हैं। ये जो गामा है, इसकी वैल्यू से आप एटॉमिसिटी ऑफ गैस का पता लगा सकते हो। हैं ये कैसे? चलो देखते हैं कैसे। बाय नोइंग गामा वी कैन कैलकुलेट एटॉमिसिटी ऑफ गैस। ओके क्लियर। इफ वैल्यू ऑफ गामा, गामा क्या है, ये टेबल दे रखा है, गामा इज सीपी बाय सीवी। ठीक है, ये क्या दे रखा है, इसको भी छोड़ो, इन वैल्यूज को भी डिलीट करो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ओके इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहे अभी, ना भी रिक्वायरमेंट आएगी आपको डेरिवेशन की सीधा। अगर आपके पास सीपी बाय सीवी की रेशियो जो है वो 1.66 आ रही है, मतलब आपकी गैस कौन सी होगी, मोनोटॉमिक। जैसा बोलो, गामा की वैल्यू अगर 1.66 आ रही है तो वैल्यू गैस कौन सी होगी, मोनोटॉमिक। अगर गामा की वैल्यू 1.40 आ जाएगी तो गैस कौन सी होगी, डायटॉमिक। और अगर गामा की वैल्यू 1.30 आ जाए तो गैस कौन सी होगी, ट्राइटॉमिक। ये आपने याद कर लेना है कि गामा की वैल्यू 1.66 मतलब मोनोटॉमिक, 1.40 मतलब डायटॉमिक, 1.30 मतलब ट्राइटॉमिक। और गामा है क्या, सीपी बाय सीवी, और आपको पता है सीपी सीवी से बड़ा ही होता है, तो इसलिए इसकी रेशियो ग्रेटर देन वन ही आनी है। ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, फिर कि आपको कई बार बच्चों को भूल जाता है, सीवी बाय सीपी लिखने शुरू कर देते हैं, बट आपको फिर याद आएगा कि नहीं यार, सीपी तो बड़ा होता है सीवी से, तब तो गामा की वैल्यू लेस देन वन आ जाएगी, बट गामा की वैल्यू लेस देन तो पड़ी ही नहीं है वन। ओके इट मीन्स गामा की वैल्यू ग्रेटर देन वन ही होती है, कितनी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ओके सो दैट्स इट विद हीट कैपेसिटी टुडे। ओके अब इसके दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, और अब सबसे पहली प्रॉब्लम, इसमें दो पार्ट है ए बी। फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस इफ हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन इज टेकन एज दिस। तो सिंपल है, अभी करा था, हीट फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। हालांकि यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन ये ले ली, इतनी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ये लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती है इसकी, बट इन्होंने नहीं बोला कि वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपने यही वैल्यू से कर देना है, हीट कैपेसिटी थ्रू आउट द टेम्परेचर आपने यही ले लेनी है। ओके तो क्या बन जाएगी आपके पास, हीट कैपेसिटी क्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। एम की वैल्यू मास कितना है आयरन का, 10 ग्राम। सी की वैल्यू 0.45 जाउल पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। डेल्टा टी की वैल्यू 500 माइनस 25, कितना आ गया आपके पास आंसर, 2137.5 जाउल। ओके तो क्यू की वैल्यू आ गई, इतनी हीट लगेगी। उसके बाद बी, व्हाट मास ऑफ गोल्ड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिस कैन बी हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आपने गोल्ड लेना हो, गोल्ड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है, ओके आयरन से बहुत ज्यादा कम है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल लो 130 है। अगर आप कितने गोल्ड को इतनी ही हीट देने पे, मतलब मास निकालना है आपने, कितने गोल्ड को इतनी ही हीट देने पे आपका जो टेम्परेचर है गोल्ड का वो 25 से 500 डिग्री सेल्सियस ही जाए। ठीक है, तो आपने देखना है कि कितना गोल्ड हीट कर सकते हैं हम ऐसे, तो हीट सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू चेंज है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम ही करना है आपने, मास निकाल लो कि कितने गोल्ड के लिए ऐसा किया जा सकता है, 34.6 ग्राम। ओके आयरन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस करने के लिए जो हीट लगेगी वो 10 ग्राम के लिए लगी उतनी, बट गोल्ड में वो 34.6 ग्राम को उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस चेंज ला देगा, क्योंकि गोल्ड की जो हीट कैपेसिटी है वो कम है, मतलब गोल्ड जल्दी गर्म होता है। हीट कैपेसिटी का फिजिकल मतलब क्या हुआ, जिस सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब उस सब्सटेंस को अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो उस टाइम आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उसको, मतलब वो जल्दी गर्म नहीं होता। ओके और गोल्ड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ओके हीट लेके जल्दी इसका अपना टेम्परेचर रेज कर लेता है। ओके जैसे एक आपने गोल्ड की रॉड पकड़ी हुई है, एक आपने आयरन की रॉड पकड़ी हुई है, ठीक है, आपने उन दोनों को एक मान लो फ्लेम में लगा दिया, एक उनका एक एंड फ्लेम में लगा दिया, तो आपका हाथ जल्दी जलना किसमें शुरू होगा, किसके केस में शुरू होगा, गोल्ड के केस में, क्योंकि गोल्ड के केस में
जो हीट है वो उसकी हीटिंग अप है वो फास्ट है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो थोड़ी सी हीट लेके ही अपना टेम्परेचर रेज कर देता है। ये फिजिकल मीनिंग है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ओके चलो सैंपल प्रॉब्लम नंबर टू, 5.6 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब आपको पता है लीटर होता है, ऑफ एन अननोन गैस एट STP रिक्वायर 52.25 जाउल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी सीपी और एटोमिसिटी ऑफ द गैस कैलकुलेट करना। ओके अब आपको कांस्टेंट वॉल्यूम पे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट लगी है वो गिवन है। ओके और हाँ STP गैस जो है वो शुरू में किस कंडीशन पे है, STP कंडीशन पे। STP में टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, करना कितना है उसका 10 डिग्री सेल्सियस, बट इस दौरान आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम नहीं चेंज होने देना। ओके तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम सी तो निकाल लें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और ये सी कौन सी निकलेगी, पहले वाला डाटा से जो ये डाटा गिवन है उससे क्या निकलेगा, सी भी निकलेगा। कैसे निकलेगी, हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर चेंज एंड नंबर ऑफ मोल्स, तभी आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकल पाएगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, कैसे पता लगेगा, मोल कंसेप्ट लगा दें, गैस कितनी ले रखी है 5.6 लीटर एट STP, आपको पता है 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP इज इक्वल टू 1 मोल, तो 5.6 लीटर में कितने मोल्स निकलेंगे, 2.5 मोल, सॉरी 0.25 मोल, 1/4 ऑफ अ मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आपको पता लग गया। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, STP में कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल कितना करना है 10 डिग्री सेल्सियस। ओके तो आपके पास T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आएगी 10, और Q आपने निकालना है। ओके सी हीट कितनी लगी वो आपको पता लग गया 52.25। ओके तो बस Q की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी Q की वैल्यू, इधर गया Q की वैल्यू, नहीं Q की वैल्यू थोड़ी ना निकालनी थी हमें, हमने हाँ सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्यू तो गिवन ही है, क्यू गिवन था। ओके कितना है 52.25, और उसके बाद T2 माइनस T1 कितना गिवन है 10, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है ये भी 10, इसके 0.25 वैल्यू पुट करिए आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कौन से वाली, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली की कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली क्योंकि मैंशन कर रखा है। ओके तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाली आ गई आपके पास, कांस्टेंट प्रेशर वाली ने अब आप बोलोगे सर कांस्टेंट प्रेशर वाली कैसे निकालेंगे, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये फॉर्मूला था ना। ओके तो बस सीपी कैसे निकलेगा, सीवी की वैल्यू कितनी है 20.9, आर 8.314 होता है। ओके सी की वैल्यू जाउल में लेनी है और आर की वैल्यू भी जाउल वाली ही लेनी है, तभी मैंने 8.314 पुट किया, तो कितना आ गया सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 29.214 जाउल पर केल्विन पर मोल। ओके क्लियर, सीपीसी भी निकल गया। अब आपको अननोन गैस है उसका, उसकी एटॉमिसिटी भी निकालनी है कि उसके एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने एटम लगे हैं, तो गामा निकालोगे सीपी बाय सीवी निकल आएगा, क्या आया 1.4, तो उसका मतलब क्या है कि गैस कौन सी है डायटोमिक, मतलब कौन सी गैस हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, ऐसे वाली गैसेस हो सकती हैं जो डायटोमिक होती हैं। क्लियर, सो आज के लिए बस इतना ही है, कल हम करेंगे कि हम डेल्टा यू और डेल्टा एच निकालते कैसे हैं, मतलब इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आता है रिएक्शन के दौरान या किसी प्रोसेस के दौरान, और एंथैल्पी में कितना चेंज आता है किसी रिएक्शन के दौरान या किसी प्रोसेस के दौरान, उसको हम कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालते हैं, मान लो लैब में कैसे कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कैलोरीमेट्री, कल हम कैलोरीमेट्री पढ़ने वाले हैं। ओके आज के लिए इतना ही है, सीपी और सीवी का रिलेशन ही करना था और सीपी और सीवी का मतलब ही समझाना था। ओके दैट्स इट फॉर टुडे।